धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के महादेव गांव में दो भाइयों के परिवारों के मध्य खेत के बंटवारे को लेकर लाठी बाटा जंग हो गई। दोनों तरफ से हुई लाठी बाटा जंग में एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने सैपऊ CHC पहुंचाया, जहां एक युवक की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गाँव महादेव में मुन्ना पुत्र सुंदर कुशवाहा अपने चचेरे भाई से खेत के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार दोनों आमने सामने हो चुके हैं। आज दोनों परिवारों के मध्य खेत पर काम करते समय झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज शुरू हुआ, फिर दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमले करने लगे। दोनों तरफ से चले लाठी बाटा जंग में मुन्ना पुत्र सुंदर, हरी सिंह पुत्र सुंदर और मधु पत्नी मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को सैपऊ CHC पहुंचाया, जहां मुन्ना की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में आज रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास में मनाए जाने वाले इस त्यौहार को सनूनो भी कहते हैं। बहनों ने इस दिन अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक किया और दीर्घ आयु की कामना की। उसके बाद बदले में भाइयों ने उनकी रक्षा का वचन देते हुए उपहार दिए। वहीं जेल में भी बंदियों को बहनों द्वारा राखी बांधी गई। बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया। लंबे अरसे बाद हुई मुलाकात से भाई बहन का मन भीग गया और आंखें तर हो गईं। लोहे की सलाखों की दीवार भाई बहन के मिलन में बाधा थी, लेकिन मन को तो बांधा नहीं जा सकता। ज्यों ही बहनों ने भाइयों को देखा तो मन मिलने को बेताब उठा और आंखें बह उठी। जेल परिसर में बहनों की भारी भीड़ होने के कारण जेल प्रशासन ने एक एक बंदी का नाम पुकार कर उनकी बहनों से मिलवाया और राखी बंधवाई। भाई बहन के रिश्ते को लेकर राखी का त्यौहार समाज को बहुत बड़ा संदेश देकर आता है। जहां बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो वहीं भाई हमेशा बहन की रक्षा का वचन देता है। बंदियों को उनकी बहनों से राखियां बंधवाई जा रही है, उसके लिए गेट पर विशेष व्यवस्था की गई है और आज के दिन किसी की भी मुलाकात खारिज नहीं की जा रही। जो भी आ रहे हैं, जितने बार आ रहे हैं उतने बार उनको मिलाया जा रहा है। सब बंदियों को राखी बंधवाई जा रही है, मिठाई जो ला रहे हैं वो दिलवाई जा रही है और काम अच्छी तरह से चल रहा है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी सुमन कुमार के नेतृत्व में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया और समस्त स्टाफ ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर थाने पर तैनात समस्त स्टाफ ने एक परिवार की तरह संगठित रहकर कार्य करने का वचन लिया। साथ ही महिलाओं को दहेज लोभियों द्वारा अनेकों प्रकार शारीरिक एवं मानसिक यातना देकर अत्याचार किए जाते हैं, जिसके चलते अधिकतर महिलाएं या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर समाज के दहेज लोभियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार से हवस के भूखे भेड़ियों के द्वारा भी महिलाओं के साथ साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले भी सामने आते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त स्टाफ ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर महिलाओं को समय रहते कार्रवाई कर न्याय दिलाने की शपथ ली गई। बसपा युवा नेता नसरुद्दीन खान ने किया विभिन्न गांवों का दौरा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में आज बसपा युवा नेता नसरुद्दीन खान ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। खान ने कहा, आज जनता कांग्रेस और भाजपा के बंदर बांट से परेशान होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का मन बना चुकी है और प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से परेशान हो चुकी है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राकेश पारस, जिला सचिव सुरेश पारस, जिला कोषाध्यक्ष काशीराम लाखा, पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल माथुर, बने सिंह पूर्व विधानसभा प्रभारी, मुकेश ब्यास पूर्व जिला अध्यक्ष, रूप सिंह विधानसभा प्रभारी, कोमल सिंह विधानसभा कोषाध्यक्ष, छुटकला परमार पूर्व लोकसभा प्रभारी, राज किशोर परिहार, दुष्यंत बघेल, प्रदीप शर्मा, राम बघेल, संजय गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद थे।